गुड इवनिंग कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ आईनॉक्स से, साउथ सिटी मॉल के आईनॉक्स से, जहाँ पर थोड़ी देर पहले कांची मूवी की प्रेस मीट हुई है। जी हाँ, ये मूवी 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इस वक्त हमारे साथ है नन अदर देन शोमैन, माई फेवरेट डायरेक्टर, हमारे अपने सुभाष घाई जी। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। करीब के 4 साल पहले ये कोलकाता शहर में आए हुए थे, बिरला मंदिर में आए हुए थे, वहाँ पर जीडी बिरला मंदिर में आए हुए थे, वहाँ पर उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। हमने ढेरों बातें की थी, एक बार फिर से उनसे मुलाकात करके काफी अच्छा लग रहा है। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेड एफएम कोलकाता पे। मुझे भी उतना ही मजा आ रहा है जितना आपको मजा आ रहा है कोलकाता में आने के लिए। मैं आया था नौकाडूबी के लिए, आपको मैं एज ए प्रोड्यूसर आया था, अभी मैं आया हूँ एज ए डायरेक्टर आपके सामने अपनी फिल्म कांची लेके। और कांची के बारे में मैं जानता हूँ कि आपने ट्रेलर तो देख ली होंगी, तो आधे से ज्यादा कहानी तो आपको पता लग गई होगी। आपको अभी पता लग गया कि फिल्म किस किस तरह की है। फिल्म में 5 मसाले हैं। पांच मसाले क्या होते हैं? टिपिकल डांस, ड्रामा, म्यूजिक, कॉमेडी, और क्या होता है, तो वही 5 मसाले हैं इसमें भी। तो सिनेमा उसके जो कैरेक्टर हैं कांची के वो 2014 के हैं, लेकिन जो फिल्म का स्टाइल है, जो नैरेटिव है, वो मेरा है, जो सुभाष घई का होता है। अब ये नहीं कह सकते कि ये पुराने ज़माने का है, क्योंकि सुभाष घई भी आस्ते आस्ते ग्रो करता है। सुभाष घई खाली उम्र में ग्रो नहीं करता, वो टेक्नोलॉजी में ग्रो करता है, कॉन्टेंट में ग्रो करता है, ट्विटर में भी जाता है, फेसबुक में भी रहता है, और उसकी पूरी टीम जो है सब 20 से 25 साल के बीच में है और उनकी बात मानता है वो। सो इसीलिए जो सिनेमा है कांची है वो फिल्म आज की फिल्म है, आज के लोगों की फिल्म है। 2014 की लड़की है, पहाड़ों की सी, पहाड़ों से लड़की है, लेकिन यह है कि फर्स्ट हाफ जो है वो एथनिक क्वालिटी का है, क्योंकि लड़की विलेज से है तो उसकी एथनिक क्वालिटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। सेकेंड हाफ में मेट्रो सिटी में आते हैं, फिर जहाँ रॉक बैंड शुरू होते हैं, रॉक शुरू होते हैं, आइटम शुरू होते हैं, एंड एक पॉल्यूटेड साउंड, एक बड़ी बिग साउंड शुरू होती है। कांची को मैंने एक स्पेशल साउंड सिस्टम में प्रोड्यूस किया है, उस सिस्टम का नाम है 11.1 ऑरो सिस्टम, जो कि विच इज़ बिगर देन द 5.1 एंड 7.1 सिस्टम इन योर थिएटर। सो वेदर इट्स अ टेक्नोलॉजी, वेदर इट्स अ कॉन्टेंट, विद इट्स अ नैरेटिव, एवरीथिंग विद द कैरेक्टराइजेशन, आई हैव डन माई बेस्ट टू मेक इट एज कंटेम्प्रेरी एज आई कैन मेक। Of course, I cannot make as contemporary as the youngster can make it, because youngsters speak about their youngster language. They can go to bathroom, their characters can go to bathroom, but I have my own limitation, being a senior, some social responsibility, some limitation. So I would stick to my cinema than aping somebody else. सुभाष जी मैं जानना चाहूंगा, जब आपके साथ ऑफ एयर हमारी बातें हो रही थी, ये जो कांची है ये आपके दिमाग में करीब करीब कुछ साल पहले ही आ गया था, ये किरदार कुछ सर कहना चाहेंगे कैसे ये ख्याल आया कि इस तरह की मूवी भी बनानी चाहिए? अगर आप जब माहौल देखते हैं अपने कंट्री का, अगर पाकिस्तान के साथ वॉर है तो आप में पेट्रियटिज्म जागता है, आप एक हो जाते हैं। फिर जब खत्म हो जाती है वॉर तो आप आपस में लड़ने लग जाते हैं, कभी कम्युनल वायलेंस हो जाती है, कभी करप्शन का सवाल आ जाता है, कभी वुमेन प्रोटेक्शन का मुद्दा शुरू होता है। लेकिन जनरल सब जब ये मुद्दे आते हैं तो आपके एज ए फिल्म मेकर, एज ए राइटर, आपके दिमाग में इफेक्ट करते हैं। जब अफेक्ट करते हैं तो इंस्पायर करते हैं आपको कहानी लिखने के लिए। इसी तरह से जब सेपरेशन ऑफ यूथ ऑफ द रूरल एरिया और इंटरनल इंडिया जब मेरे सामने आया तो मैंने कांची का कहानी लिखी कि ये लोग इमोशनली सप्रेस हैं, जो सिटी के लोग हैं हम लोग मेंटली सप्रेस हैं, हमें मालूम है लेकिन हम कर नहीं सकते, उनको मालूम नहीं, उनको पता ही नहीं कि कैसे करना है। दैट इज व्हाई कांची इज अ स्टोरी वेयर शी रिवोल्ट्स अगेंस्ट द बिगेस्ट पावर। ओके सर, जानना चाहूंगा दो नए किरदार नजर आ रहे हैं इस मूवी, दो नए एक्टर एक्ट्रेस नजर आ रहे हैं, मिस्टी और कार्तिक, इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ख्याल कैसे आया कि इन दोनों को चांस देना चाहिए, न्यू कमर्स को चांस देना चाहिए? भाई कांची जब मैंने पूरी लिख ली तो मेरे ऑफिस वालों ने कहा कि इसको स्टार कर फिल्म बनाइए, क्योंकि कहानी बहुत, कोई भी स्टार कर लेगा, कतरीना कर लेगी, करीना करेगी। तो मैंने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, इसमें एक नई छवि है, नई एक्ट्रेस की जरूरत है, तो ही ये जस्टिफाई लगेगा, अदरवाइज ये फेक लव ड्रामा लगेगा। अगर रियल कन्विंसिंग ड्रामा, भले आप ड्रीमी फिल्म बनाओ, जैसे आप कार्टून फिल्में देखते हैं या एनिमेशन फिल्म देखते हैं, तो आपके एक पॉइंट पर तो कन्विंसिंग ही लगती है ना, तो उसी तरह से कन्विंसिंग लगना बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया और 300 लड़कियों का मैंने ऑडिशन लिया, फिर उसके बाद मिस्ट्री मुझे एक मिली, एंड आई एम हैप्पी दैट शी हैज डन गुड जॉब। जब आप देखेंगे तब खुद ही कहेंगे कि ये रोल शायद किसी भी हीरोइन को मिलता तो वो क्या करती,
और दूसरी बात ये कहेंगे कि मिस्टी के सिवा शायद कोई स्टार नहीं कर पाता, ये भी होता होगा। सर बताना चाहूंगा 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं, और सुबह से ही हमने कहा था कि आपके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें होगी। छोटे छोटे 5 सवाल मैं चाहूंगा कि आप छोटे छोटे एक एक लाइन में आंसर दें, जैसे सर बोलना चाहें। आपकी फिल्मों में आपको एक सीन में हम जरूर देखते हैं, क्यों और क्या आने वाली मूवी कांची में भी आप नजर आएंगे? कांची में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, एक गाने में हूँ, तो वो गाना आपको सुनना पड़ेगा और फिल्म देखनी पड़ेगी कि मैं कौन से गाने में आता हूँ। ये कॉन्टेस्ट है सर, छोटा सा रीजन सर, हर मूवी में आप नजर आते हैं, वो मेरी मोहब्बत है आपके साथ। अगर मैं आपको एक शॉट में आने पर स्माइल दे सकता हूँ आपके चेहरे पे, तो मैं क्यों ना हूँ, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत को रिकॉग्नाइज करता हूँ, आप मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं और हमको मज़ा आता है। लोग पूछते हैं कि आप कौन सी, जैसे आपने पूछा कि आप कभी आएंगे, किस शॉट में आएंगे, तो ये भी एक फ्लर्टेशन है हम दोनों के बीच में, एंड आई एम हैप्पी कि ऑडियंस स्टिल लव्स मी। बताना चाहूँगा, राजीव ने एक सवाल आपसे पूछा है कि फेवरेट एक्टर अभी के करेंट सिनेरियो में आपके कौन है? मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है, आई लाइक। मैंने लास्ट फिल्म देखी है बाग में। कभी शूटिंग की वजह से कोई वोट देना आपका मिस हुआ सर? मैंने कभी वोट देना मिस नहीं किया, क्योंकि हम लोग पहले से डिजाइन करते हैं, जो वोट वोटिंग दिन होगा उसे शूटिंग नहीं करेंगे, और हर एक को करना भी चाहिए, सब काम छोड़ देने चाहिए। जैसे आप पूजा में छोड़ देते हैं, दिवाली में छोड़ देते हैं, ये भी आपके लिए धर्म है कि आपको सब काम छोड़ के अपने गांव जाके अपनी जगह जाके वोट देना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल, 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे, उन सभी को क्या कहना चाहेंगी? कांची मूवी रिलीज होने वाली है 25 अप्रैल को। कांची देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, एक लड़की की कहानी है लेकिन बहुत मजेदार है। एक ऐसी लड़की जो हीरो बनती है, ना वो तलवार चलाती है ना वो रिवॉल्वर चलाती है, फिर भी वो आइकॉन कहलाती है और वॉइस ऑफ नेशन की बात करती है। सुभाष जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, थैंक यू सो मच रेड एफएम को समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर। वेल, ये थे हमारे साथ नन अदर देन डायरेक्टर सुभाष खाई, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। कांची मूवी की प्रेस मीट थोड़ी देर पहले खत्म हुई और एक एक करके स्टार कास्ट, साथ ही साथ डायरेक्टर शोमैन सुभाष खाई जी के साथ हमने रेड एफएम पे बिल्कुल लाइव बातें की। इससे पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है खुशिया इवेंट, साथ ही साथ कैंडिड कम्युनिकेशन ने, मल्टीप्लेक्स पार्टनर है आईनॉक्स और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है पीपल 3 होटल। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।